कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आप यहाँ पर आज आए हो, सब लोग इकट्ठा हुए, किस समस्या को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या है यहाँ पर समस्या? 6 to 8 months से कम बहुत सीवियर शॉर्टेज है पानी की। हमने वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में कंसल्ट किया, म्यूनसिपैलिटी में गए, म्यूनसिपैलिटी में जो पानी का हेड का जो भी पर्सन है उससे कंसल्ट किया, बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब 2-3 मिनट पानी आया, वो भी वेरी स्लो प्रेशर से, एंड पूरे 7 दिनों में मंडे से लेके थर्सडे कम पानी आता है, फ्राइडे से संडे तो ऑलमोस्ट नहीं आता है, ऐसा बोल सकते हैं तो चले। हाँ हाँ, और जब हम उधर गए, वाटर वर्क्स का जो हेड है वो हमें बोलता है कि आपके बिल्डिंग में तो बोरिंग का पानी आता है, तो क्या बोरिंग का पानी पिएंगे हम, बोरिंग के पानी से यूज़ करेंगे हम? वो उस एस्पेक्ट्स में किस तरह से बात कर रहे हैं, एकदम गंदी तरह से, रिस्पेक्टफुली भी नहीं, डिसरिस्पेक्टफुली। पानी का वॉल चालू करने वाला पर्सन यहाँ पे आता है, वो जब तक के गली के बाहर जाता है तब तक तो पानी भी बंद हो जाता है, दिखाते हैं वो लोग कि हमने पानी चालू किया, बट क्या बाहर जाते हैं तब तक ही बंद हो जाता है। एकनाथ शिंदे को कंसल्ट किया, उनके जो भी ऑफिसेस हैं सब जगह हमने पानी ये रिटर्न में दिया, कुमार एलानी के ऑफिस में, उनकी वाइफ से मिले, बट कोई प्रॉपर वो सॉल्व नहीं किया। इतनी डिस्क्रिपेंसीज है और हम कैसे वोट देंगे आप लोगों को? यहाँ पर यहाँ के कॉर्पोरेटर को ने उनसे आपने इस बारे में संपर्क किया है? जिधर हाँ, जहाँ पे भी जाना रहता था कॉर्पोरेटर आई, प्रकाश कांथानी ने ये कहा भाई मेरा कुछ भी इससे कंसर्न नहीं है। मैं हाँ, वो तो वो बोले कि हम क्या रिलीफ वर्क कर रहे हैं, अभी मेरी सत्ता में नहीं हूँ मैं, तो मैं मतलब ऐसे सोशल वर्क कर रहा हूँ, ऐसे बोला उन्होंने, तो ये अभी मेरे इसमें नहीं आ रहा है दायरे में। तो मतलब पानी का कोई हेड भी नहीं है आपके उसमें, और अभी इलेक्शंस एंड वो सब हो रहे हैं, तो ऐसे पानी के इतने बेसिक एस्पेक्ट्स को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो और आगे बहुत डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स कैसे सॉल्व कर पाओगे? कभी आपकी क्या मांग है अभी? पानी प्रॉपर आना चाहिए, हाँ मैडम। आपकी अभी मांग क्या है, क्या कहेंगे आप? अभी जब तक के पानी नहीं आता है तो अभी अपकमिंग इलेक्शंस में हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पानी चाहिए, वो हमारा बेसिक टू बेसिक नेसेसिटी है, और वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बाकी सब बातें बाद में। क्लीनलीनेस एंड वो सब पे भी इतना मतलब वो प्रॉपर नहीं है, इतना काम प्रॉपर, तो ये सब चीज़ें जब तक रिजॉल्व नहीं होती है तो हमारी एरिया में से कोई भी अभी अपकमिंग इलेक्शंस में कोई किसी को आने भी नहीं देंगे बिल्डिंग में वोटिंग के लिए। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पर पानी की समस्या है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मोदी जी डिजिटल इंडिया बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हमारा जो वार्ड है डिजिटल इंडिया से तो बहुत ही दूर है। हमारे यहाँ पे बेसिक पानी की नीड नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आता है। दूसरे जगह पे पानी आता है तो मैसेजेस आते हैं, हमारे यहाँ पे ना मैसेजेस आते हैं ना पानी आता है। हमको बहुत ट्रबल हो रहा है पानी के लिए, हम आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप पानी दीजिए, लेकिन अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, वी वॉन्ट वाटर नाउ। बहुत बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हो गए, कोई तो हमारे बिल्डिंग में इतने बड़े एल्डर्स हैं, उनको नीचे बकेट जाके लेके जाना पड़ता है और पानी भरना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। वी वॉन्ट वाटर, एल्स वी विल वॉन्ट गिव एनी वोट टू यू, थैंक यू। ये वार्ड नंबर 11 है, जय माता दी नगर, उल्लासनगर 3 में आता है। कहना सिर्फ ये आते हैं कि आप देखेंगे कि सब लोग, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक ही मैटर को लेकर कि यहाँ पे एरिया में हमारे पानी बिल्कुल भी नहीं है, और इसको आज एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, पूरा एक महीना, दो महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। इनफैक्ट यू नो पानी ना से एकदम ना के बराबर है, और पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी नहीं है हमारे एरिया में, बेसिक नेसेसिटी। उनको आगे करो ना, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और खुशी की बात और फॉर्चुनेटली ये बात है कि हमारे यहाँ पे जो सरकार है उल्लासनगर में वो भी बीजेपी की है, लेकिन यहाँ पर हमारे पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे उल्लासनगर के सारे पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए जो भी पावर में है कि वो मोदी जी के साथ में क्यों नहीं है, सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है, पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी नहीं है। बाकी चीज़ें, बाकी प्रॉब्लम्स छोड़ दो, पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये वो सारे बिगड़े हुए हैं, पर पानी की बेहद बहुत बुरी समस्या। आज लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको बाल्टियाँ ले लेके नीचे जाके पानी भरना पड़ता है। इस बार हम स्ट्रिक्टली कह देते हैं, चाहे कोई भी पावर में आने वाला है, यहाँ पर जो वोट मांगने आएगा हमारा, उनको यू नो आप रिक्वेस्ट मान लो कि आप हमारे पास प्लीज़ मत आइए,
पहले हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करिए। पानी यहाँ पे बेशुमार आना चाहिए। आने वाले सैटरडे तक आपको टाइम है, हमको भी टाइम है, आप प्लीज़ पानी की शुरुआत करिए। उसके बाद आप बेशक वोट मांगने आइए, हम वोट भी दिल खोल कर देंगे सब लोग। इसके बावजूद भी आपकी पानी की समस्या हल नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? वोट जीरो, नो वाटर नो वोट, दैट्स इट। और यहाँ के पॉलिटिशियन कंटिन्यू, नो वाटर नो वोट, दैट्स इट। नो वाटर नो वोट, नो वाटर नो वोट। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। नो वाटर नो वाटर नो वाटर नो वाटर नो वोट, 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 नो वाटर नो वोट। हमें सिर्फ नल नहीं, नल में जल चाहिए। आने वाले सैटरडे तक आप याद रखिए प्लीज, ये हमारा तरफ से आपको लीजिए। एटलीस्ट इस एरिया की तरफ से आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा एज फार एज वोट इज कंसर्न। पानी लीजिए, आप वोट लीजिए। हमारा नारा भी है कि पानी दीजिए, आप वोट लीजिए। साहब जी, सबसे पहले मैं दोनों मीडिया वालों का शुक्रिया करूंगा, कोनार को और टाउन स्टेशन की, जो हमने टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारा ये पूरा कवरेज किया। हमें पूरा यकीन है कि हमको पूरा फायदा मिलने वाला है। पहले सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, हमारे लिए टाइम निकाल गया है। और मैं बाकी सब लोगों ने अपना अपना स्पीच दिया है, मैं स्वरूप उल्लासनगर के कमिश्नर को आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को यहां भेजे, अपनी टीम भेजे, जो हम कह रहे हैं वो सच है या झूठ है आगे चेक करके जावे, उसके बाद वो खुद ही एक्शन लेवे कि क्या करना चाहिए, पानी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और हमने अपनी तरफ से यहाँ पर जो टीम उनकी है ऑलरेडी, उनको बुलाया था सवेरे 6 बजे, हम लोग 10-15 लोग जमा हुए थे, वो लोग खुद आए थे 2-3 बिल्डिंगों में, उन्होंने चेक किया और एग्री करके कहे कि जीरो वाटर है। कोनार, अपना शहर अपनी बातें।